हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का 7th लेसन, जिसका नाम है द इंटरव्यू और इसके राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इस स्टोरी में हमारे दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो ऑथर डिस्क्राइब करते हैं हमारे इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव के बारे में। जो सेकेंड पार्ट है वो एक इंटरव्यू है जो मिस्टर मुकुंद और बुलगोना यूनिवर्सिटी के ईको के बीच में। जो चैप्टर है हमें बताता है कि जो इंटरव्यू होता है, चाहे वो एक बार हो या दो बार हो, वो किसी के सामने हमारा जो इम्प्रेशन होता है वो लास्ट तक छोड़ देता है। और इस लेसन में हम ये जानते हैं कि किस तरह जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इंटरव्यू को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे रुडयार्ड कीपलिंग की वाइफ ने किया था। और कीपलिंग की वाइफ अपने डायरी में लिखती हैं कि जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने हमारा बोस्टन का दिन ख़राब कर दिया था, बल्कि जो रुडयार्ड थे वो उन्होंने भी इसके 4-5 साल बाद एक इंटरव्यू लिया था। और रुडयार्ड बोलते हैं जो इंटरव्यू है वो सीधा एक तौर पे हमारे ऊपर हमला होता है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, उसमें जो इंटरव्यू है वो होता है मुकुंद और यूम्बर्टो ईको के बीच में। जो मुकुंद है वो बिलोंग्स करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर से, यानी वो हिंदी न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं। और यूम्बर्टो ईको है जो वो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी बोलोगना, जो इटली में है वहाँ पे ये प्रोफेसर है। उनके पास एक ईको की स्टेटस है जो वो प्रोफेसर के साथ साथ एक लिटरेरी इंटरप्रिटेशन की, यानी साहित्यकार व्याख्या की है। वो जो साहित्य लिखते हैं उनका पूरी तरह से वर्णन कर देते हैं, और इसके साथ साथ वो मध्ययुगीन सौंदर्य यानी नेचर से जुड़ी हुई बातों को भी लिखते हैं, और मध्यकालीन समय में जितना भी हुआ था वो उन सबको लिखने का काम करते हैं। इंटरव्यू का सेंटर है ईको की सक्सेसफुल नॉवल जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। इस नॉवल में, ये जो नॉवल थी ईको की, उसकी जो कॉपियाँ थी वो 10 मिलियन से ज़्यादा बिकी थी। फिर मुकुंद पूछते हैं ईको से कि तुम इतने सारे काम एक साथ कैसे करते हो, जैसे लिखना, फिर प्रोफेसर का काम करना, पोएम को लिखना, उपन्यास लिखना, साहित्यिक विशेषताएँ, ये सब सिर्फ सौंदर्य, तुम ये सब कैसे कर लेते हो। तो जो यूम्बर्टो ईको होते हैं वो बोलता है मैं एक समय पे केवल एक ही काम करता हूँ और मैं इसीलिए पूरा काम अपने अच्छे से कर लेता हूँ। वो उदाहरण देते हैं, मान लो अगर आप लोगों को मेरे घर पर आना है और मेरा जो घर है वो तीसरे माले पर है, तो आप लिफ्ट में आ रहे हो तो क्या करोगे। तो जो मुकुंद होता है बोलता है मैं आपका वेट करूँगा, आपके घर का वेट करूँगा। तो वही जो ईको होता है वो बोलते हैं आप मेरा वेट करोगे, मैं उसकी जगह अपना मैं अपनी एक कहानी लिख दूँगा और उसे पूरा कर भी दूँगा। इस बात को जो ईको होते हैं हंसते हंसते बोलते हैं, और फिर जो मुकुंद होते हैं वो उसका बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता आपके तरह। उसके बाद जो डिस्कशन हो जाता है, इंटरव्यू होता है, वो जस्टिफाई करता है उसकी बुक को। जो उसकी बुक है द नेम ऑफ द रोज यानी नॉवल है, वो नॉन वायलेंस का है यानी अहिंसा का है, और शांति बनाए रखने का है बीच में। फिर जो बताते हैं प्रोफेसर कि मैं लिखने के लिए और अपने प्रोफेसर के काम को अच्छे से करने के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों को, कुछ जो कॉन्फ्रेंस होते हैं स्टोरी के, मैं उन्हें अटेंड करता हूँ वीक में, और उसके साथ साथ जो संडे होता है उस दिन मैं स्पेशली कोई ना कोई एक पोयम या फिर नॉवल को स्टार्ट जरूर करता हूँ। जो प्रोफेसर ईको थे वो सब कुछ बता देते अपने बारे में और अपने नॉवल के बारे में, जिसका नाम था द नेम टू द रोज, द नेम ऑफ द रोज। पर वो जो उनकी नॉवल थी उसके बारे में अब तक ये खासियत नहीं पता चली कि उसमें ऐसी क्या रहस्यमय बात थी जो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है।